सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। क्या था ये मामला जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया था? इसके बाद जब इसके दोषी जेल से जल्दी रिहा किए गए तो भी ये सुर्खियां बना। जानते हैं कि क्या था ये मामला। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ, तभी बिल्किस बानो से नृशंस गैंगरेप तो हुआ ही, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगाई। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाड़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागर से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। इन आरोपियों को बचाने की कोशिश शुरुआत से ही जारी थी। बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ हुई हैवानियत के बाद शुरुआत में जब गुजरात पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो उसने सबूतों के अभाव में ये केस खारिज कर दिया था। फिर ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारा मुद्दा न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।